रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। चिकन बटरफ्लाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने चिकन ले लिया, अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। सॉस 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे, लेमन ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून पिसा धनिया इसमें ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे पिसा हुआ, 1 टीस्पून लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें, थोड़ी सी हल्दी इसमें ऐड करेंगे, कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे इसमें, थोड़ा सा इसमें हम फूड कलर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून इसमें हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको हम आधे घंटे के लिए कवर करके इसको हम रख देंगे। हमने एक ये बड़े साइज़ का आलू ले लिया, अब हम छोटे आलू नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके बटरफ्लाई अच्छे से नहीं बनेंगे। अब हमने इसको छिलके उतार दिए, अब इसको हम कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया, इसको हमने इस तरह से कट कर लेना है। इसको हमने पानी में भिगो के रखा है। हमने एक बाउल ले लिया, अब इसमें हम 1 कप पानी का ऐड करेंगे। इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि ये हमारे बटरफ्लाई क्रिस्पी होंगे। थोड़ा सा हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम आलू को 5 मिनट भिगो के रखेंगे। इसको हम 5 मिनट इसमें भिगो के रखेंगे, रखे काफ़ी टाइम हो गया था। अब हम इसको बटरफ्लाई में बनाते हैं। आलू ले लेंगे, आलू ले लिया। अब इसमें हमने चिकन रखा, अब इसको हम फोल्ड करेंगे। ऊपर से ये बारबेक्यू की हम स्टिक लगा देंगे। इस तरह से हमने ये बना लेना है, इस तरह से सब ये शेप हमने बना लेनी है। इस तरह से हमने ये सब शेप बना ली है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अब हम इसको मीडियम फ्लेम में फ्राई कर रहे हैं। इसको हमने अच्छे से पकने देना है, फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये बटरफ्लाई चिकन रेडी हो गई है। ये हमने बटर ले लिया, इसको हम मेल्ट करेंगे। इसको हम मेल्ट कर रहे हैं, हमने इसको अच्छे से मेल्ट कर दिया। अब इसमें हम लेमन ऐड करेंगे, थोड़ी सी हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसमें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस पर ऐड करेंगे अब हम ये बटरफ्लाई। डालने से ये नरम हो जाते हैं, उनका टेस्ट भी अच्छा होता है। ये देखिए इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।